ये मैनुअल मैं चलाऊंगा। आप चलाओ बिल्कुल। ये मैनुअल है, कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये शोर करेगा क्या? वैसे ही है, कोई जुगाड़ सा? घुमाओ, पागल तो नहीं बना रहे हो? आप घुमाओ। आ रही आवाज। ओ भाई रे, कुर्सियां बहुत देखी होंगी आपने, आज एक अजीबो करीब कुर्सी लेकर आया हूँ। ये देखो, ऐसे करते खुल जाएगी। और साहब, आप चाहे 200 किलो वजन भी क्यों ना हो, आप आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि 200 किलो वजन किसी का होता नहीं, फिर भी आप आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं। और कमाल की बात पता है क्या, उठने के बाद इसको ऐसे किया, फोल्ड किया, बैग में डाला, गाड़ी में डाला और जहां मर्जी ले जाओ। नंबर वन चीज। दूसरी ये है बेड, ये देखो, ऐसे किया, फोल्ड किया, बैग में डाला, गाड़ी में डाला और पैक करके चाहे अमेरिका ले जाओ। समुद्री दुनिया के अंदर पहुंचा हूं, समुद्री दुनिया। पता कैसे? समुद्र के अंदर जाते हैं जब, एक से एक गजब की आइटम देखने को मिलती है जहाज के अंदर। जो लोग गए उनको पता होगा, जो लोग नहीं गए वो आज देख लो कि समुद्र की दुनिया जो है वो कैसी होती है। ये देखो, ऐसी ऐसी विसल आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ये विसल देखिए, ये विसल है। बजाकर दिखाऊं? अगली देखिए, एक से एक गजब की आइटम। ये देखो, ये एक ऐसा गजब का किरिंग है साहब। वो कहते हैं ना अबला जी, हम आपका भविष्य देखेंगे। गोविंदा ने भी कई मूवीज के अंदर देखा है। ये देखो कंपास, एक से एक गजब कंपास। जिन लोगों को अपने घर का वास्तु शास्त्र देखना हो या फिर किसी पंडित जी को चाहिए हो, तो ये एक गजब से गजब की आइटम यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ में देखो, अरे बाप रे, दूरबीन देखो, यानी कि पता नहीं कितने किलोमीटर दूरी को आप महज चंद सेकंडों की दूरी के ऊपर ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी है ये समुद्री जहाज़ की एक बहुत बड़ी दूरबीन, जहां पर दूर से आती हुई कोई भी समस्या या फिर कुछ भी आप आराम से देख पा सकते हैं। एक एक सिलेक्टेड आइटम है यहाँ पे, जो चीज़ मर्जी देख लें। और अब हमारे साथ में निखिल गोयल जी हैं, जो इन पूरी चीज़ों को बताएंगे। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका HR20 पर। पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको देख पा रहा है। नमस्कार जी सबको, मेरी तरफ से नमस्कार। ये जो आइटम है, ये हिसार हरियाणा के अंदर आप लेकर आए हैं? बिल्कुल जी। और कोई लंदन की है, कोई जापान की है, कोई फ्रांस की है, कैसे लेकर आए हैं? क्या इस्तेमाल होता है आम आदमी के घर के अंदर इनका? आज हमारे को 10-12 साल हो गए हैं सामान बेचते हुए हमारे को। ये शिप की ऑक्शन का सामान है, जो पुराने समुद्री जहाज होते हैं उनकी ऑक्शन होती है, उसका सामान हम लेके आते हैं। यानी कि पुराने समुद्री जहाज बेच दिए जाते हैं, उनको आप खरीद लेते हैं? उसका हम खरीद लेते हैं। जितना भी हमारे को सामान मिलता है, हम सारा ऑक्शन में इशार वालों के लिए स्पेशल छांट छांट के सामान लेके आते हैं। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सामान। ये विसल देखिए, ऐसी विसल तो यार देखने कोई नजर नहीं आती हो, तो बसों वाले भी ढूंढते रह जाते होंगे। देखो पीतल की है, पीतल की है। ये देखो पूरे कान पड़ती है। अच्छा, और क्या आइटम है? ये बात, जैसे आपने देखे कंपास है, कोई जैसे आर्किटेक्ट है, किसी को ब्रास का ओरिजिनल कंपास चाहिए एंटीक लुक में, इसमें जैसे कैलेंडर है 100 साल का, ये 100 साल का कैलेंडर, आगे 2056 तक का आपको ये ना कौन से दिन पे कौन सा वार आता है वो समझा सकता है। कहीं भी आप बैठे हो, कहीं भी आपके फोन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बता देगा। प्लस आपकी हमारी दूरबीन ये कभी कभी आती है, जैसे अभी स्टॉक आया हुआ है थोड़ी सी है, तो आज आपके लिए बड़ी छांट के, स्टोर का नया माल है ये, बिल्कुल यूज नहीं है ये, स्टोर का नया माल हम लेके आए हैं कस्टमर्स के लिए बहुत कम रेटों में। निखिल भाई, मैंने एक चीज और खास सुनी है कि ये जो मैट है, हाँ जी, काफी लोगों के मकान के जो फर्श है ना वो भूलने शुरू हो चुके हैं, या फिर उन्होंने ना ईंटों के बनाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि टाइल जैसा बन जाए। ये देखो, ये आपने बना रखा है, ये फर्श है, ये अलग पार्ट है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर करने के बाद में इस प्रकार मिक्स हो गए कि पता ही नहीं चलता। उठाकर दिखाऊंगा, ये देखो, मेड इन फ्रांस की। ये देखो, ये कितनी की आइटम है, क्या चीज है, कैसे इसको खरीदा जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए? दिखाता हूँ, ये आप इसको थोड़ा दिखाएंगे, ये मेड इन फ्रांस की कारपेट टाइल्स है, ये स्टोर का नया माल है बिल्कुल कारपेट। इसको लगा लिया आपने तो 50 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है फर्श पे। सर्दी में पैर ठंडे नहीं होंगे, गर्मी में पैर गर्म नहीं होंगे। एक बार आपने रूम में लगा दी, ना पोछा मारना, ना कुछ करना, जिंदगी भर वाला काम होगा। महंगी होगी? बहुत कम रेट में माला रखी है, वैसे तो बहुत महंगी है आपके पास, ठीक है बहुत महंगी है, लेकिन जब अपने को मिली हम किलो के भाव में दे रहे हैं सिर्फ।
और इसमें दो तरह का माल है, एक है थोड़ा यूज्ड वाला वो और सस्ता है, ये नया स्टोर का माल है, ये अभी फर्स्ट टाइम ही मिला हमारे को, कभी आज तक मिला ही नहीं है, ये आपकी वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्या बात है, यानी कि आदमी के घर का फर्श एकदम जबरदस्त रंगीन हो सकता है, पता भी ना चले। बड़े बड़े अफसरों के रूम में लगे होते हैं कार्पेट टाइल्स, चलोगे तो आपको फील आएगा एक कि क्या चीज लगी हुई है। ओके, और ये उसके बाद ये आ जाती है ग्लास फाइबर रोड। ग्लास फाइबर रोड मतलब आवाज ऐसे करेगी जैसे सरिया है, लेकिन ये है ग्लास फाइबर, शिप के अंदर यूज होता है, केमिकल होता है ग्लास फाइबर। ओके, अनब्रेकेबल होता है, टूटेगा नहीं, करंट नहीं आएगा। अब काम इसका क्या लेना है अपने हिसाब से आप ले सकते हो। नहीं मतलब करंट भी नहीं आएगा, करंट भी नहीं, ग्लास फाइबर है जी, कैसे आएगा, टूट जाता होगा फिर ग्लास का। नहीं जी, उसको तोड़ूंगा, अनब्रेकेबल है, टूट जाए तो फ्री है, कोई भी आदमी आके चैलेंज कर दे इसको तोड़ देगा, फ्री कर दूंगा, कहीं मारो कैसे मारो। अरे यार ये नहीं टूटने का जी, अनब्रेकेबल चीज है। ओ भाई रे गजब यार, भाई शायद बताने की जरूरत नहीं है, गाड़ी सारे दूर होगी, मेरे ऊपर भी दो बार हमले हो लिए हैं, आपको पता होगा। ये तो मेरे लिए पैक मारने के लिए हम नहीं देते हैं ना, फिर भी मारने के लिए कोई चीज नहीं होती, सेफ्टी के लिए चीज होती है, हमको क्या पता सामने वाला हमको मारने के लिए आ रहा है, भाई सेफ्टी तो जरूरी है। इसको आप सोलर पैनल में यूज कर सकते हैं, इसमें तार निकालते हैं, करंट कैच नहीं करता है। ओके, इसको खेतों में प्लांट को सपोर्ट देने के लिए लगा सकते हैं आप, लटकने के लिए ले सकते हैं, दीवार में अगर आप चिराई में देते हो दो दीवार की सीढ़ी बन सकती है, इसके बहुत काम है। क्या बात, हमारे पास कैंट में कस्टमर ले जाते हैं फौजी साहब, बहुत सामान है, गजब की आइटम, गजब। अच्छा और चीज दिखाओ, और क्या कुछ है, जहाज की दुनिया है ये। हाँ, देखो भाई आ जाओ, ये देखो इधर आ जाओ, एक बार ये जहाज दिखा दो, जो इतना बड़ा जो क्रूज होता है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा शिप जो है वो खरीद लेते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज भी है पता है क्या, ये दरवाजे देखो, ये भाई साहब कहते हैं कि ये दरवाजा है, ये बीच में कांच लगा हुआ है इसके, और कांच जो है वो बुलेट प्रूफ कांच है, सच है क्या ये? बुलेट प्रूफ है पूरा दरवाजा, स्टील का दरवाजा। अच्छा सिर्फ कांच नहीं पूरा दरवाजा भी बुलेट प्रूफ है, ये लकड़ी का नहीं है, किसी भाई को लगता हो ये स्टील का दरवाजा है, ऊपर एक लेदर लगाई हुई है पतली सी ताकि पेंट पॉलिश ना करना पड़े सारी उम्र, और स्टील का दरवाजा है। तो आइडिया निखिल जी इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये कॉस्ट मेरे पास 5,000 से लेके 20,000 के अंदर अंदर बुलेट प्रूफ गेट मिल जाता है। 5,000 रुपए के अंदर चौखट नहीं आती है, आप दरवाजा दे रहे हैं भाई साहब, कंप्लीट विद चौखट, ब्रास के लॉक, ब्रास के अंडर लॉक सिस्टम, इन लॉक लॉक की कीमत लें तो दरवाजा फ्री हो जाए, सर इतने महंगे तो लॉक लॉक है ये कब जो आप तो फिर इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं? वो हमारे पास आ जाता है, चोरी का तो नहीं लिया, चोरी चारी का नहीं लाते, 15 साल हो गया हमारे को काम करते हैं, चोरी का माल नहीं बेचते हम लोग। ये देखो भाई वाक्य में, ये देखो ओरिजिनल कीज के साथ आया है इस बार, जंग वंग लगने की कोई नहीं जी, 25 साल जहाज में यूज होके आया है, अब आप देखो कंडीशन, 25 साल यूज हो चुका है, तब निकला है अपने को, ऐसे भी नहीं मिले, 1.5 लाख है, नेट पे आप चेक करो इसको, 1.5 लाख रुपए का, हाँ 1.5 लाख, और आप मात्र 15 से 20 हजार तो कहाँ आप दे पा रहे हैं, बहुत कम में, आप मान लो 8-10 हजार में आपको ऐसा गेट दे देंगे, सारी उम्र देखने की जरूरत नहीं है, 8 से 10 हजार में भी अवेलेबल, हाँ टॉप से टॉप दरवाजे, और ये साइज 3x8। तो अब एक आम व्यक्ति वो पता क्या सोचता है, सोचता है कि यार उसका मकान है, ऑफिस के अंदर तो चलो लगाए तो सोबर ही लगाए, घर में किस लिए लगाए ये दरवाजे, क्या जरूरत है, या भैया कांच है, उसको डर लगेगा बोला यार कोई तोड़ गया इसको, कुछ और कर गया तो घर के अंदर चोरी और हो जाएगी, ये कांच टूटेगा नहीं, इसके ऊपर कंपनी का लिखा है, ये गैस वाले ग्लास होते हैं, ये टूटता नहीं है ग्लास, शिप के अंदर इतने हैवी शिप चलता है समुद्र के, मार के देखूंगा एक बार कुछ, हाँ मारो लेना और डंडा लेना, वैसे हमारा टूटता नहीं है, ले वेरी गुड, नहीं टूटता जी, ये कॉरिडोर का है, ये अब साइज की बात आती है, लोग सोचते हैं कि साइज पता लग जाए, ये 3x7 के साइज में मिल गए, पहले छोटे आते थे अब बड़े बड़े आ गए मेरे पास, जैसे कोरिया का दरवाजा है 3x8 का, पूरा 8 फुट हाइट में मिल गया, और आपको मैं दिखाता हूँ दरवाजे, ये 3x7 के दरवाजे हैं, स्टील के हैं भी पूरे, किसी भाई को ना लगे लकड़ी के नहीं है, सिंपल लकड़ी का दरवाजा होता ही नहीं है, वो सारी फूल जाएगी, खराब हो जाएगी, अरे पानी आए बिना अंदर रहेगा नहीं, इतना खारा पानी होता है जी समुद्र में नमक का, उसका मॉइस्चर इतना होता है कि वो अपने दरवाजे तो कामयाबी नहीं है, तभी स्टील के दरवाजे बनाए जाते हैं, और ये स्टील भी ओरिजिनल होगा, और 316 ग्रेड का स्टील होता है, बहुत बढ़िया चीज होती है, ब्रास के लॉक है देखो आप, कब्जे कब्जे में 1.25 किलो वजन है जी, एक कब्जे का 1.25 किलो वजन, हाँ तीनों का मिला के 1.25 किलो वजन आता है, क्या बात है, ये देखो भाई खोल के दिखा दूंगा, दिखाओ, वेरी गुड, ये देखो आप एक नंबर, ये देखो गेट के अंदर वेंटिलेशन दिया हुआ, मजबूती भी जबरदस्त है, और वजन भी पूरा यार, ठाडा वजन है, ये कितने का होगा आइडिया? ये मोटा मोटी 8-9 हजार रुपए का दरवाजा, बस यार 8-9 हजार रुपए का दरवाजा, तो एक बार लगवा ले तो सारी जिंदगी आदमी काचे काटेगा, स्क्रैप है जिसकी 5 साल बाद आप इसको तोड़ के देते हो ना कबाड़ में, आप जितने का ले जा रहे हो उससे कमा सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट है, इसमें घाटा कोई नहीं है,
भाई शायद कुछ रह नहीं जाता बताने के लिए, दरवाजों की तो भाई ने ये जड़ियां लगा रखी हैं आगे तक। और दिखा दो, और दिखाओ, और क्या चीज़? इनकी विंडो की डिमांड आती है, शिप की विंडो। अब यहाँ विंडो कितनी महंगी पड़ती है, आप विंडो लेने जाते हैं। अब आप ये शिप की विंडो आई है, स्टील की पूरी विंडो देखो कितनी जबरदस्त विंडो है, कहीं लगाना चाहो। समुद्री जहाज की आइटम है ये सारी, पूरी विंडो स्टील की विंडो है, कहीं लगाओ कैसी लगाओ। और ये 1.5x1.5 के बाथरूम के रोशनदान भी आते हैं। ये लिमिटेड स्टॉक होता है, कभी कभी मिलता है, मतलब ये चीजें विंडो कम मिलती है। दरवाजे मेरे पास कोशिश करते हैं, यानी कोई व्यक्ति मकान बना रहा है या फिर कुछ कमरा रेडी कर रहा है तो वो पहले आगे आपसे पूछ जाए कि भाई क्या चीज है, कैसे है, मैं मेरे कमरे को किस प्रकार रेडी करूं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आइटम है ये तो वही है ना, वही फ्लोरिंग मैट्स है, गजब। ये भी थोड़े यूज देंगे, 15 साल यूज होने के बाद कंडीशन देखो, अरे लगता तो नहीं ये यूज है, इसको पानी मार दे एकदम नया हो जाएगा ये। अरे और ये आधे रेट में उनसे जो नए वाले दिखाए थे। लगा गोपाल यहाँ पे लगाओ, ये देखो भाई ये जुड़ते चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि एक सिंगल मैट था कि हाँ ये कमरे के अंदर लगा दिया तो कहते ना बड़ा लाइफ जिंगा लाला। और जिम के लिए तो सोना है, ये जिम वाले तो ढूंढते आते हैं अपने पास से। हाँ, या जिसने जिमिंग करनी है घर पे भी या फिर जो योगा वगैरह करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, योगा के लिए तो जबरदस्त चीज है। बिहार में काफी जिमों में लगवा रखे हमने, इसमें बड़े मांगते हैं लोग, बड़े भी आ गए इसमें, 3x3 फुट का, सबके पीछे मोर लगी आएगी बाकायदा, मेड इन यूएसए की। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये दिखाओ, मेड इन यूएसए बाकायदा, नेट पे चेक करो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2000 फुट की आइटम है ये, हम किलो में भाव में दे रहे हैं, सिर्फ तोल के किलो में। तो आप इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं? वाकई में मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि आप चोरी का तो नहीं लेके आए भाई? ही ऑप्शन है हमारे पास, पक्की फर्म है, चोरी का काम नहीं करते। कोई व्यक्ति बिल लेना चाहे तो पक्का बिल मिलेगा जी, 18% जीएसटी। और ये जो झूला यार, ये बच्चों के लिए देखो क्या खूबसूरत झूला है, मान लिया छोटे छोटे बच्चे हैं उसको यहाँ पे झुलाना है तो ये सिर्फ फैंसी है दिखाने दिखाने का या फिर 200-250 किलो तक आप बैठो इसके ऊपर कहीं नहीं जाएगा, मेरी गारंटी लाइफ। 200 किलो तक, ये जो रस्सी है ना जी, ये रेशम की रस्सी है, बैठ चुका है एक बारी आराम से ऊपर। हाँ उक्का थोड़ा सा बैठ जाओ, बाकी डिस्प्ले की उक्का है ये। अरे यार गजब, इसकी कलेक्शन मेरे पास सबसे बढ़िया झूले की, आपको मैं मॉडल दिखाऊंगा, आप उठा दिए देखो गजब है। मेरा वजन जो है वो 95 kg कोठी में एक लग गया ना जी, 20 लोग पूछने आएंगे लाए कहाँ से, आप ऐसी सी आइटम है, किसी को गिफ्ट देने के लिए सबसे बेहतरीन आइटम है। वाओ, इसके मॉडल दिखाओ आप, देखो एक और आइटम भी है छोटा मॉडल, ये स्पेशल 2-2.5 साल अच्छा, ऊपर स्पेशल लिख रहे हैं झूले पर बैठे ना। हाँ। क्योंकि ऊपर से मजबूती आपने ज्यादा नहीं दे रखी है, तो हमने ऐसे वो लगा के। हाँ जी ओके, ये देखो बच्चों के लिए स्पेशल कितनी बड़ी आइटम, गिफ्ट आइटम, गजब गजब। ये देखो इनके रेट सुनोगे तो आप कहोगे कुछ भी रेट नहीं है। क्या रेट है? सिर्फ 1500 से लेके और 7500 तक का मॉडल लास्ट मेरे पास, 1500 रुपए का झूला, झूला इतना बेहतरीन झूला है, रस्सी देखो आप जबरदस्त। तो ये रस्सी जो है ये भी जहाज के से उसकी रस्सी आती है रेशम की, खराब नहीं होगी आपके गार्डन में। ये तो यूं लगा लो कि बंदा हाथ लगाता है ना तो गजब की फील आती है। तो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जा सकता है जैसे ये चीजें लेनी हो तो? सर मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप मैसेज कीजिए और ऑल ओवर इंडिया आपको कुरियर की फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। ये मुड्डे ये पिड्डे हैं, दोबारा आ गए आप सोफों के साथ, आजकल लगा सकते हैं दोबारा सोफों के साथ, दोबारा फैशन आ गया इनका। और शादी में देने के लिए तो सबसे बेस्ट है, लोग ढूंढते होते हैं गजब की आइटम यहाँ पे। ओके ये हमारा देखो आप बैठ के देखो फील, नहीं जबरदस्त चीज आती है। तो सासू बहू वाला सीन याद आ गया मेरा। नहीं वाकई में हरियाणवी चीज है, गजब की आइटम है और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए ऐसी चीज घर के अंदर ताकि यादगारी भी रहे। अच्छा और ये यार मेरे को आपके दरवाजे जो है ना वो बहुत गजब के लगे, जिस व्यक्ति ने मकान बनाना हो बाथरूम में दरवाजा इस्तेमाल करना हो। दिखाता हूँ आपको, ये देखो ना बाथरूम के दरवाजे, ये जापान का दरवाजा है, हेलीकॉप्टर वेटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, शिप के अंदर ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है, समुद्र जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर भी होता है, वहाँ पर रूम बने होते हैं, उसका वेटिंग रूम है। इसको आप यहाँ टॉयलेट में लगा सकते हैं, 2.5x6 का साइज है, पूरा ग्लास का 50 किलो वजन है इसमें, 50 किलो का दरवाजा, देखने की जरूरत नहीं दोबारा एक बार लगा। ये कितने का है निखिल भाई? ये लगभग 5000-1000 रुपए का दरवाजा हम बेचते हैं। 5000 का तो आप 5000-6000 का तो कबाड़ में होगा, कबाड़ में होगा, वही मैं आपको समझा। मान लिया जो सामने वाला बंदा लगाएगा तो 20 साल तो इसको जमाई भी का मजे लेगा, 20 साल बाद में इसको बेचेगा तो यार 15000 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी आराम से। 50 किलो का इसका स्टील और पीतल निकाल लें तो अभी इतने का है, अगर इसका हार्डवेयर निकाल लें तो हार्डवेयर इतने पैसे का है कि भी गेट फ्री है। वेरी गुड, आप कुछ कमा भी रहे हो इसके अंदर या फिर सेवाई कर रहे हो? सेवाई कर रहे हैं, लगा लो लोगों के लिए जी। ये कोरिया का दरवाजा है देखो, ये टॉयलेट के लिए दरवाजा है, बहुत सुंदर दरवाजा है, इसमें रेड ग्रीन का सिस्टम आता है, भी आप जिसे खोल रहे हो बाहर से पता लग जाएगा आपको अंदर कोई बैठा नहीं बैठा। ओके बाथरूम के
ये रेड हो जाएगा, खोलेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। अच्छा ये अंदर वाले उसके ऊपर अटैच करता हुआ, ये ग्रीन हो गया, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ प्लास्टिक के दरवाजे हम खुद बनाते हैं, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री है। ओके, ये पीवीसी डोर्स है, ये भी इतने शानदार डिजिटल लुक में किसी के पास नहीं है, अपने पास ही मिलेंगे। ओके, तो यानी कि इसका मुकाबला इससे नहीं किया जा सकता, बट किसने चौकटे लगा दी, किसने आपका जुगाड़ करना है अपना आराम से भाई, ठीक है चौकटे लगा दी दो, किसने चौकटे लगा दी वो निराश हो गया, अभी लगा नहीं सकते, उसके लिए है बाथरूम के दरवाजे। चीज अच्छी है, बहुत बढ़िया चीज है जी, जबरदस्त चीज है, क्या बात है। अच्छा नेक्स्ट और क्या क्या आइटम है जो यूज होती है, हमारे ऑस्ट्रेलिया गद्दे, लोगों की बहुत डिमांड आई, गद्दे नहीं लाते जी, आप गद्दे नहीं लाते शिफ्ट ऑस्ट्रेलिया गए, प्योर ऑस्ट्रेलिया कंपनी। इतना मोटा कैसे है, 8 इंच स्प्रिंग वाला गद्दा है जी। अच्छा स्प्रिंग है क्या, सिर्फ 10% में दे रहा हूँ आपको, 75,000 रूपए का, 90% लेस। कितने रूपए में दे रहे हो, 7,500 रूपए में गद्दा, ओ भाई रे, फुल स्प्रिंग वाला, आप इस पे लगाओ, इसे लगाओ यहाँ पे, ये देखो, हाँ लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, देखते हैं। ये कंपनी का एड्रेस, नाम मेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये आप दिखाओ, आप इसको ऊपर देखो, पूरा दिखाओ भाई रे, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ वेरी गुड। इनकी वेबसाइट है बकायदा, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, और स्प्रिंग देखो आप चीज, वाकई यार गजब चीज है। ये गद्दे लाने में इसलिए देरी हुई, हम स्टोर का नया माल उठाते हैं जो साफ बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज गद्दे हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा देरी जाती है इस माल लाने में। सीधे जमीन पे गिरो, बेड की जरूरत भी नहीं है, इसको डालो बेड सीधा, चादर बिछाओ, सो। यानी कि आदमी अगर जब फिलिंग लेने वाला हो तो एक रात में आदमी के पैसे पूरे हो गए, तसल्ली वाले, क्यों बाकी समझ गए होंगे लोग, समझदार हैं। आ जाओ, और क्या आइटम है, क्या बात है, ये दिखाओ, त्रिपाल आ गए, ये दिखाओ, ये त्रिपाल, वाटरप्रूफ त्रिपाल है। ओके जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम वेट पे देते हैं, लोग फुटों में देते हैं, बहुत महंगे महंगे, हम आपको वजन में देते हैं, फुल वाटरप्रूफ त्रिपाल है, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाएगा इसके। कोई गाड़ी है किसी की, ये घर में लगाना है, बारिश से दिक्कत है, पानी से दिक्कत है, एक बार लगा दो, देखने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से, गजब। ये भी त्रिपाल है, ये भी त्रिपाल अलग से मॉडल है, थोड़ा और हैवी क्वालिटी का त्रिपाल है, इसको हम एप्पल वाला त्रिपाल बोलते हैं, एप्पल, हाँ ये इसका क्वालिटी आप देखोगे ना, कोई आगे छो के देखेगा उसको पता लगेगा क्या क्वालिटी है, फील जबरदस्त, लिमिटेड स्टॉक है, ये नहीं कि मेरे पास खूब मिलेगा, ये आइटम महंगी होनी चाहिए वैसे, बहुत महंगी होती है, स्टोर का नया माल है, और हमने रेट ऐसा कर रखा है, कोई आए तो बहुत सस्ते रेट में, बहुत सस्ते में, 5-7 रुपए फुट पड़ता है खाली त्रिपाल, आप सोचो 5-7 फुट में आता है क्या, ऐसी आइटम तो वैसे भी नहीं आती, ये नहीं तो आती। सारी की सारी फॉरेन की है, और समुद्री जहाज की तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, करोड़ों का सामान उसके अंदर आता है जाता है, अगर वहाँ पे पानी घुस गया तो क्या होगा, ये वहाँ की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए, वहाँ के खारे पानी के लिए, नमक के खारे पानी, नमक के खारे पानी के लिए, गजब। अच्छा ये क्या, डस्टबिन, हाँ शिप के जर्मनी के डस्टबिन है, ओ भाई, और पूरे में वेल्डिंग का टाका नहीं, आप देखो यहाँ पे कैसे बना हुआ है पूरा, एक बार जहाँ डस्टबिन लगा दिया यार, पूरा वजन भी है, तो नहीं है दोबारा, पूरा वजन भी, गजब, हम तोल के बेच रहे हैं, ये क्या कुछ का है, हम यहाँ 150 रुपए किलो दे देते हैं, 150 रुपए किलो, किलो तो ये समुद्री जहाज का, ये भी समुद्री जहाज का डस्टबिन है, गजब, बड़े बड़े अफसरों के रूम में लगे होते हैं ये। अच्छा ये क्या आइटम आ गई यहाँ पे, अभी आ गए जी शू रैक हमारे पास, ओके ये शू रैक है, ये आपकी जगह नहीं लेता बिल्कुल भी, दीवार के अंदर एक साइड में जाके सेट हो गया, सीढ़ियों के बीच में लगा दो आप, हाँ हाँ सीढ़ी है ना 2 फुट, किस में लगा दो, शूज इसमें रखा और इसको बंद कर दिया, क्या बात है, इसमें शूज रख सकते हो आप, बुक्स रख सकते हो, फाइल रख सकते हो, या काफी बड़े बड़े जो लोगों के छोटे रूम्स होते हैं उनमें फाइल रखने के लिए जगह कम होती है, जैसे अपने एडवोकेट है उनके चैम्बर्स हैं छोटे चैम्बर्स, उसके लिए ये आप वॉल माउंटेड टेबल है, ये दीवार पे लगाया, कहीं भी आपको लगानी है, कोई खाना खाना है, लैपटॉप चलाना है, पढ़ाई करनी है, ये ऐसे खोला, ये फोल्ड, कोई जगह नहीं लटक जाओ, बच्चा बैठ जाए तो भी इतनी दिक्कत, कोई जगह नहीं लेती, कोई जगह नहीं लेती, ये बटन दो खींचे आपने, ये फोल्ड, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, सेविंग चीजें हैं, वेरी गुड। इसमें 4 साल, ये आइटम किस लिए है भाई, ये क्या आइटम है, आपके लिए शिप का सूट लाके दिया है जी, आपको दिखाते हैं, इतना हैवी सूट है, शायद वीडियो में हमने पहनाया भी था पहले किसी को, लोगों को याद होगा, ओके ये यार पूरा ठंडा आदमी का है, हाँ ये 6-6.5 फुट के आदमी के लिए बड़ा सूट है, ये इमर्शन सूट है, पूरा पानी में तैरना हो, इतना बड़ा समुंदर हो, आप इसको पहन के पानी में कूद जाओ, इस पर लिखा हुआ है, पूरा फ्लोट कर सकते हैं आप, ये दिखा दें, ये देखो ऐसे पूरा तैर सकते हो आप, लोग तो आधा डूबने वाला कहते हैं, पूरा तैर सकते हो, डूबेगा ही नहीं, डूबेगा ही नहीं, हेलीकॉप्टर से किसी बंदे को उठा के पानी में रेस्क्यू करना हो उसके लिए बेल्ट आएगी, इसमें क्लिप्स आएंगी, सब चीज़ के अंदर साथ आएगा सामान, ये देखो आप क्लिप्स आएंगे, ओके, और इसके बूट्स देखने वाले हैं, कितना ही केमिकल हो, कितनी बर्फ हो, गजब है यार, ना तो फिसलेंगे ना, और
तो ये अपने क्या काम का यहाँ पे? यहाँ पे लोग बहुत ले जाते हैं रेनकोट के लिए, कोई मान लो कोई ड्रिल चल रही है या कोई एक्सरसाइज चल रही है, पानी के अंदर किसी को बचाना है, रेस्क्यू करना है, उसके लिए बेस्ट चीज है। ओके, ये आपको ढूंढने से भी आने मिलेंगे आसपास ऐसे आइटम। गजब गजब आइटम है, गजब। ये देखो भाई छोटा, ये भाई ये सबसे खास चीज, लड्डू गोपाल को कौन नहीं रखता होगा, हालांकि वो हमको रखते हैं, लेकिन शौकिया तौर के ऊपर सभी उनको अपने पास में रखते हैं। उनका एक छोटा सा बेड है, ये देखो ओडी का डिजाइन आगे लगा रखा है, और नो डाउट ओडी से कम नहीं है, गजब का पीस है ये। ये दरवाजे देखो, मैं आपने दिखाया नहीं, पासवर्ड लॉक का दरवाजा है। अरे क्या बात, ये लॉक ही 15,000 रुपए का है, ऑनलाइन चेक करें तो। और ये 4.5 फुट का दरवाजा है, लोग कहते हैं सिंगल दरवाजा चाहिए 4-4.5 फुट में, अभी मिला है 4.5 फुट का दरवाजा, सिंगल दरवाजा। और ऐसे लॉक के अंदर, लॉक के अंदर कैप्टन रूम का दरवाजा होता है, सबसे ऊपर लगा होता है कैप्टन रूम का। ओके, तो क्या कुछ इसका क्या कुछ प्राइस होगा? ये लगभग मान लो आप को ज्यादा रेट नहीं है, बहुत मिनिमम से रेट में आ जाएगा, रेट ऐसा होता है थोड़ा बल्कि। वैसे तो आप 1.5 लाख रुपए के आसपास बता रहे हैं, बुलेट प्रूफ होगा। ओके, तो उसका 10% भी लगा लो तो भी दरवाजा नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। हाँ जी, यानी कि मोटा मोटी आप 18 के आसपास, 15 से 18 के आसपास लमसम, बस बस इतना ही है, इतने में बुलेट प्रूफ किट मिल जाएगा। ओके, ये ग्लव्स है, इमर्शन ग्लव्स, आप इसमें हाथ डाल के देखो, कितनी भरी सर्दी हो आपका हाथ ठंडा हो जाए तो बताओ। अरे चीज दिखाओ आप इनको, क्या चीज लगी है इसकी, गजब गजब आइटम है। कोई फिशिंग करता है, मछली हाथ में पकड़ी जाती है, उससे पकड़ सकते हो आप। कोई बिजली का काम कर रहे हो, कोई केमिकल काम कर रहे हो, आप गाड़ी में रख सकते हो, आप टायर चेंज करना है बकायदा, आप गाड़ी में पैर रखो आपका, जब भी काम करना आप हाथ ही नहीं खराब होंगे कभी। और इन ग्लव्स, समुद्री दुनिया देख लो आप, ऐसा मत करना कि फिर हमको दिखाई नहीं। और एक सबसे खास चीज और भी है, पता है क्या, जो भी माताएं बहने हैं ना नहाने के लिए जाती हैं, तो बाथरूम के अंदर स्लिप हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, टांग टूट जानी या फिर बैंड हो जानी, और उसके साथ साथ में कमर में कुछ दिक्कत हो जानी, तो उसके लिए एक सबसे खास आइटम है ये, नीदरलैंड का फ्लोरिंग मैट है जी। ये पहले आया था, स्टॉक खत्म हो गया था, नीदरलैंड से है ये, और नीदरलैंड का नया पीस आएगा। ओके, यूज नहीं, बकायदा कंपनी है, नेट पे चेक कर सकते हो, दिखा सकते हो, द नीदरलैंड दिखाएगा ये पूरा। तो ये हम लोग यानी कि उसके ऊपर लगाए, हाँ, ये टाइल पे ना ऐसे पीछे वैक्यूम्स है, उसपे लग जाएगा, आप खड़े होकर इस पे शावर लो, नहाओ, बैठो, उठो, तो माता उठती एकदम, कोई दिक्कत गिरेगा नहीं, मतलब ही नहीं है जी, डॉक्टर के पास में जाओगे हजारों लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है, वो बचने वाला है, उसमें 2 मैट आ जाएंगे, जितनी डॉक्टर की पर्ची है उसमें 2 आ जाएंगे, वो आप देख लो आप। वेरी गुड, गजब की आइटम भाई। देखो, माँ बाप के लिए, अपने लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए चीज जरूरी होती है, और बहुत अच्छे रेट के अंदर आपको मिली है, बहुत वाजिब रेट के अंदर, जितने के अंदर बोला जी डॉक्टर की पर्ची होती है ना, ओपीडी होती है, इतने में 2 आ जाएंगे, शायद इससे आगे कुछ रह नहीं जाता। ये देखो, अरे हाँ, ये दिखाओ, देखो आप, इससे 2.5 टन वजन खींच सकते हैं, इतनी हैवी है ये, गाड़ी खींच सकते हैं आप, लेकिन एक खाट भर दी ना इसकी, 2.5 टन भाई साहब, 2,000 किलो हो जाता है, 2,500 किलो हो जाता है, 2,500 किलो माल, हाँ, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो इसका करेगा क्या व्यक्ति, इतना सामान क्या किस लिए खींचेगा? ये देखो ना, अभी दिखाओ, ये 4 किलो है, ये 4 किलो का एक रोल, एक खाट में भर दिया, 50 साल की गारंटी मेरी है, टूट जाए, खराब हो जाए, धूप बारिश पानी, भाई साहब 2,500 किलो वजन आप इससे खींच सकते हैं यार, भाई ने एक नंबर की बात कह दी, बिला जी खाट में भर दो, मजा ले वो सारी जिंदगी, 50 साल की गारंटी दे रहे हैं भाई, और सेफ्टी के लिए कुछ बांधनी हो, उठानी हो, वाक्य में गजब है, देखो मुलायम, देखो कितनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये चीज हम घर में यूज कर रहे हैं, तब आपको दिन ठोक बजा के कह रहे हैं, गजब गजब की आइटम है। ओके, और क्या कुछ आइटम रहेगी? इंडोनेशिया के नहाने के साबुन दिखाओ आप यार, साबुन भी बाहर की ले आए आप, इंडोनेशिया कमाल ही कर दिया भाई, ये देखो लेमन की, इंडोनेशिया की है ये, मेड इन इंडोनेशिया, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अलग अलग वो है, 6 फ्लेवर है इसके अंदर, 6 फ्लेवर के अंदर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स है, और ये लाइम है, ये लाइम है, वो लेमन है, ये लेमन है, और ये पीच, पीच ये देखो आड़ू, मैंने सोचा बढ़िया एप्पल का है, और नाव तो मजा आ जाता है, गजब है यार, एक नंबर, कोई नहीं, ये हमने जी ललचा दिया, एक एक आइटम लेके जानी पड़ेगी तरफ, इस पे कपड़े सूख जाएंगे, पतली सी तो रस्सी है भाई साहब, टूटा टा जाऊंगी इसका, भी थोड़ी है, फ्री है, कोई भी आज मैं चैलेंज करता हूं, तोड़ दूंगा, फ्री दे दूंगा सारी रस्सी, टूटेगी नहीं क्या? मतलब ही नहीं जी, है तो पतली सी आ रही है, जाओ प्योर, ये ना जहाज में मछली पकड़ने जाल बनते हैं इनके, ये 100-100 फुट के टुकड़े कटवाए हुए हैं, अच्छा वो आइटम है, ये देखो सुखा दो आप, कहीं नहीं जाएगी, बहुत हैवी चीज है, गजब, मात्र 1 रुपए फुट खाली, आप सोचो क्या 1 रुपए फुट में आता है क्या, बताओ यार, 100 फुट की तो 100 रुपया की होगी, 100 रुपए की होगी, अरे के 100 फुट कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ इसमें बेल आप बांधते हैं अपने पौधों की बेल, हाँ हाँ हाँ। पानी गिरता है, धूप पड़ती है, कभी नहीं खराब होगी, ये देख लो भाई, ये रस्सी है पतली सी, और समुद्री जहाज के अंदर आप सोच सकते हैं कि पानी कैसा होता होगा, सागर का पानी सारा का सारा नमक वाला, और उसके अंदर भी ये रस्सी जो है ये कामयाब होती है, और जहाज का सटेरिंग आ गया भाई,
वैसे तो कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई तिजोरी का भी हो, लेकिन ये जाज का है। वजन देखो, वजन है इसके जबरदस्त वजन है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कुछ अलग अलग धातुओं का बना हुआ होता है, क्या चीज होती है? आठ धातु मिक्स होती है इसके अंदर और शुभ माना जाता है। घरों की एंट्री पे लगाते हैं वास्तु दो, जैसे घोड़े की नाल लगाते हैं घर में, सेम वैसी काम करते हैं जिसको नॉलेज है। और बाकी वैसे भी आप लगाओ वैसे ही बहुत बढ़िया, वैसे ही बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त चीज है, रेयर है। पूरे सोच लो अरबों रुपए का शिप होता है, उसमें एक या दो निकलता है। इटली का है 316। अरे यार, ये तो स्टील का है, 316 ग्रेड स्टील है जी। ओ भाई, ये देखो पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, प्योर स्टील। इसमें लाइट है, इसके अंदर लाइट आपको चेंज करनी पड़ेगी, बटन और पूरा चार्जिंग का पॉइंट सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये आपके पास में एक दो ही पीस है निखिल भाई, या फिर कैसे है, माल स्टॉक के अंदर काफी है? ये 20-30 पीस मिलते हैं मुझे, बड़ी मुश्किलों से ऑफिसरों के रूम से उतरवा के लाते हैं, तो ये इतना स्टॉक आता है, कभी कभी आते हैं। अभी मैंने एक चीज और खास देखी है, हम लोग मिरर की तरफ देखते हैं ना, बीच के अंदर कुछ उठान सा होता है, कोई और चीज होती है, बिल्कुल एकदम यूं मिरर का पानी देखो ना, जबरदस्त गजब की चीज है जी। नेट पे 50,000 रुपए का है, हम 10% में बेच रहे हैं, 5,000 रुपए में, यानी कि उससे भी कम दे देंगे, कोई लेने आए ना इकट्ठे तो और दे देंगे। यार स्टील का बनवाने के लिए तो 15,000 तो ऐसे लग जाएंगे इसको तैयार करवाएंगे, नकली स्टील जो अपने यहाँ पे मिलता है उसका तैयार करवाएंगे तो 15-20,000 रुपए तो वैसे लग जाएंगे। 316 ग्रेड स्टील नहीं मिलेगा, बाकी दूर जाने की जरूरत नहीं है, समुद्री इलाके के अंदर है, पोलैंड चलते हैं। आ जाओ जी पोलैंड। अच्छा, ये पोलैंड का है, पोलैंड का है, ये मेटल में है। ये चीज देखो डबल डोर में, क्या शानदार चीज है, इसे कब्जे देखो आप, क्या डिजाइन, ये कंपनी का नाम देखो, आपको नेट पे चेक करना चाहिए, नेट पे चेक करो। मात्र 3800 रुपए में बेच रहे हैं सिर्फ। हाँ, लाइट भी साथ में, इसमें लाइट भी है पूरी है। ये देखो ना आप चीज, ये देखो यहाँ से कोई, यानी कि जिसने सुबह शेविंग करनी हो या कुछ करना हो तो समस्या नहीं है उसको। बॉल माउंटेड है, कहीं टांग दो इसको, जगह नहीं लेता। और चीज देखो आप डबल डोर में, शानदार, किसी होटल वाले के लिए तो सोना है ये, रूम में लगा देना तो सारी जिंदगी। आप पोलैंड का हमने शीशा लगाया हुआ, देखने वाला देखता रहता है, लोग 1.5-1.5 लाख के फोन रखते हैं तो शौक पूरे नहीं होते उनके। यहाँ पे देखो 3800 में पोलैंड की चीज दे रहे हैं हमें बैठ के, क्या बात है। अच्छा, और अच्छा ये हार्डवेयर सारे मौजूद हैं आपके पास, काम भी करते हैं, ठीक है। डोर से मेरे पास पीवीसी डोर, एल्युमिनियम डोर, और क्या कुछ खास है, जैसे बेड वगैरह बता रहे थे आप, डबल बेड, ऑटर, हाँ 10 किलोमीटर साउंड का ऑटर दिखाते हैं आपको। ये मैनुअल, मैं चलाऊंगा, आप चलाओ बिल्कुल, ये मैनुअल है, कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये शोर करेगा क्या, वैसे ही है, कोई जुगाड़ सा, पागल तो नहीं बना रहे हो आप, घुमाओ, हा रही आवाज, ओ भाई रे, ऐसे ऐसे हूटर तो आजकल ना उसमें इलेक्ट्रिक सिटी में बदल चुके हैं, लाइट में आ चुके हैं, लेकिन ये तो बहुत गजब आइटम है, ये तो कारीगरी, कोई बिजली का काम नहीं, सिर्फ हैंडल से घुमाओ, कभी भी कहीं भी आप, किसी ने फैक्ट्री में लगाना है, कहीं पे स्कूल में लगाना है, फैक्ट्री में लगाना है, कोई जैसे खानक पार्ट टूटते हैं वहाँ लगाना है, और के लिए लगाना, किसको इमरजेंसी के लिए लगाना, बेस्ट चीज है यार इसकी, पता नहीं, और ये एंटीक आइटम है, ये मिलती नहीं है, रेडी पता नहीं कैसे किया हुआ करने वाले ने, ये काफी महंगा हुआ है, ये बहुत कम रेट में है, मान लो इसका नेट पे रेट चेक करो, उसके बाद हम रेट देंगे आपको, आप कहोगे बोले जी आप तो फ्री में दे रहे हैं, ऐसे रेट है हमारे। नहीं, वाक्य में एक बात बताऊं, ये चीज है ना, ये बेचने की नहीं है, ये म्यूजियम में लगाने की चीज है, ताकि लोग देखें इसका, तो आके लोग ना चलाने के आपको 50-50 रुपए दे देंगे, बोला एक बार चला के देखता हूँ। एग्जॉस्ट फैन जापान का, एल्युमिनियम बॉडी में पूरा, कोई प्लास्टिक नहीं, एल्युमिनियम, ओके, की आवाज तो है ही नहीं, और इसका फ्लो देखोगे ना आप, ये शिप के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में कूलिंग ट्रांसफर करने के लिए लगाए गए थे। अच्छा, लगते हैं अभी भी, ओके, इसकी चीज देखो आप, लोग कहते थे पहले जी, हम 50 साल पहले शिप में गए थे, पंखा लाए थे, आज भी चल रहा है, वो वाली चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, काफी दे दी हमने, आप बाथरूम में लगा लो, तो यानी कि कुछ सिलेक्टेड ही रखे हुए हैं। ये देखो शिप के एंडलॉक एक्स्ट्रा, एंडलॉक एक्स्ट्रा है, अगर आपने दरवाजा लगाना है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करना है तो ये भी गजब की है हमारी। कोई भाई को गाड़ी में तिरपाल मारने के लिए चाहिए, कहीं भी बांधने के लिए चाहिए रस्सी, हाथ देखो कितनी मुलायम, आप छू के देखो आप ना, तो हाथ खराब होकर मजबूती की मजबूती। आ जाओ थोड़ा फर्नीचर दिखाते हैं आपको, ओके, तो आइटम काफी मौजूद है आपके पास मेरे भाई। ये हैंडल देखो, ये यहाँ पे भाई ने हैंडल लगा रखा है, ताकि ये भी सिलेक्टेड आइटम है बुला जी, कहते हैं ना बुला जी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारी दुकान भी बढ़िया चलती रही, क्या बिल्कुल शोरूम बढ़िया चलता रहे। वाले झूले मैं जो आपको बोल रहा था कलेक्शन, ये देखो आप झूला,
क्या शानदार झूला है। अब ये वाला देखो, अब सबसे हमारा फेवरेट मॉडल ये होता है, पूरा आदमी इसके ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाए तो भी जबरदस्त, इतनी बड़ी जगह। डिजाइन देखो आप, उसमें कारीगरी देखो आप, गजब आइटम। यानी बनाने वाले ने कमाल कर दिया वाकई में, बहुत कुछ इसके अंदर डिजाइन विजाइन अच्छा मारा है। अच्छा मैंने सुना है कि आपके पास में बेड है ना, वो आग उग लग जाए तो जलते नहीं, कौन से बेड है वो? ये वाले जी आप जो देख रहे हो। नहीं ये तो वैसे देसी सी लकड़ी लग रही है मेरे को। नहीं जी लकड़ी को कहते फ्री दे दूंगा बेड, ये पूरा बेड आप क्या बनवा, ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम कर रखा है इसमें। हाँ जी वेरी गुड यार, यानी कि लेडीज को बार बार सामान निकालना होता है। अब बस उठाया कर दिया काम। इसके अंदर खड़े हो जाओ आप, पांच आदमी इसके अंदर खड़े हो सकते, आप भी खड़े हो जाओ। इतना भारी बेड लिया ना, आपको खड़ा नहीं होने देगा अंदर बेड में ना, बेड के अंदर नहीं खड़ा होना जितना भाई कोई, लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर पता ही। अच्छा तो जो आग लगने वाला है ब्लाजी, जिसके अंदर आग नहीं लगेगी वो कौन सा है? वही है, ये यही है वो, यही है वो जी। अरे यार ना इस पे कोई पेंट है ना कोई माइका लगा रखी है ना कोई पॉलिश, पे कोई पेंट नहीं है, पेंट नहीं है क्या? पॉलिश माइका कुछ नहीं है। तो ये आइटम क्या है जो आगे लगी? बोर्ड ऐसा होता है जिसके बाहर दोनों। अच्छा बोर्ड ही ऐसा है, ऐसा है ये। सबसे बड़ी खासियत आपकी कार में आ जाएगा बेड पूरा, ऐसे कह सकते हो। यहाँ खड़े को दिखाओ पूरा बेड, ये डबल बेड दिखाओ इनको, पूरा डबल बेड है ये, पूरा खुला हो रखा है देखो। ये दो पीस, ये देखो ये सारे पीस आ गए इसके, ये सारे। अरे बाप रे, बोलो कार में ले जाओ, कोई लेडीज अकेली है ना। हाँ हाँ, फोर्थ फ्लोर बेड चढ़ाना या उतारना है, अकेले चढ़ा सकते हो आप, 10 मिनट में फुल हो जाएगा। गजब आइटम है यार, गजब। मैं यानी कि मैंने सुना था कि ऐसा बेड होता है जिसके अंदर आग नहीं लगती, आपका नाम सुना था कि आपके पास में मिलते हैं, लेकिन देखने से तो ये नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन ये चीज आप कमाल की बता रहे हैं कि इसके अंदर आग नहीं लगेगी, देखो शायद इससे आगे कुछ रह नहीं जाता। स्टेनलेस स्टील के पाए हैं, कमरे में पानी भरे तो भी खराब नहीं होगा आपका। ओके तो एनीथिंग एल्स, और क्या कुछ है ये अलमारी? उसके बाद अलमारी है ये भी फोल्डेबल, सारी खुल जाएगी, पूरी पैक हो जाती है भी। अब ये क्या अलमारी जितनी आपने खोली है, इतनी एक अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, ये के ऊपर कैसे रखी हुई है। ओके हटाना चाहो ऊपर का, ये दो बोल्ट खोलो आप अलग से यूज कर सकते हो, नीचे का कैबिनेट अलग यूज कर सकते हो। इजी टू यूज है, नीचे ब्रेक वाले व्हील्स है, ये ब्रेक हटा दो, ये दोनों ये ब्रेक हटा दो, इसको कहीं से रखा लो आप रूम में, इतनी भारी अलमारी बिना ब्रेक के सरकती नहीं थी। चलो कहीं ले जा सरकाओ। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका। ड्रेसिंग है, और ड्रेसिंग का है, इसके अंदर शीशा है पूरा, ड्रेसिंग टेबल इस अलमारी के अंदर ही है। क्या बात, अब बताओ आपको कहाँ दिखता है ड्रेसिंग इसके अंदर? कहीं नहीं दिख रहा मेरा तो। अब मैं दिखाता हूँ आपको, बंद कीजिए, ये देखो। अरे वाह वाह वाह, बोला बनाने वाले ने क्या जादूगरी की है, उसके अंदर था नहीं बोला हाथ कटवा दिए जाए इनके, दोबारा ऐसे दोबारा ऐसी तैयारी ना की जाए। ये हमारी डिजाइन है, अब कई लोग देख लेंगे तो कॉपी भी करेंगे, लेकिन चीज हमारी है, हमारी देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेटेंट हो गया तो आपके नाम। और ये आइटम आ गई देखो, गजब स्पेस सेविंग हो। अब आपको टेबल दिखाते हैं, यहाँ से खड़े ये टेबल है पूरी, ये आपको लग रहा होगा फट्टा लगा रखा दीवार पे, फट्टा नहीं है ये टेबल है। ओके आपको दिखाता हूँ खोल के, ये किचन में लगा दो आप, ये देखो ये टेबल, ये बटन नहीं, ये लॉक हो गई, इस पर सब्जी काटो, खाना खाओ, बैठो, मीटिंग करो, पूरी जगह बच गई आपकी। चीज देखो क्या है, ना कोई माइका है, ना पॉलिश, ना पेंट है, क्या ये आइटम क्या है? बोर्ड ऐसा आता है फायर प्रूफ, दिखाओ भाई नजदीक आओ, दिखाओ देखो आदमी चेहरा देख ले इसके अंदर, ऐसी गजब आइटम है। इसके दो लॉक सिस्टम है देखो। तो निखिल भाई इसके ऊपर कोई स्क्रैच विच ना जी, मतलब ही नहीं, ये देखो इसको ऐसे एक उंगली से आप फोल्ड कर सकते, पूरी स्पेस बची है, बहुत ईजी है। हमारे सोफा कम बेड की चर्चा बहुत है इसार में, आपको दिखाते हैं। ये सोफा है, आप बैठे हो, थ्री सीटर सोफा है, बढ़िया डिजाइन में, इसको अपन ने खोला, बॉक्स वाला सोफा कम बेड कोई नहीं रखता, ये देखो बॉक्स। अरे वाह गजब, और उसके बाद इसकी गद्दी आपा ने ये रखी, ये लो जी 4x6 का बेड बन गया, दो बंदे आराम से रूम के लिए, बच्चों के रूम के लिए तो सबसे बेस्ट चीज है, बेस्ट चीज है, दिमाग पानी की गारंटी फुल लाइफ टाइम। अगर इसको आउटडोर में रख दिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत कुछ नहीं बिगड़े, कुछ नहीं बिगड़ता, सारा खुलने वाला। क्या बात है, चलो तो एक और टेबल है, चीजें ना ऐसी काफी सारी है यहाँ पे दिखाने वाली, सिलेक्टेड आइटम है, और नो डाउट आपको आना जरूर पड़ेगा यहाँ पे, एक एक आइटम खरीदनी है, और वो भी समुद्री जहाज की, क्रूज की, तो आप सोच के देखिए उसके अंदर कितनी कितनी चीजें होती है, बाइक में सब कुछ मौजूद है। और हरियाणा हिसार से निरंकारी भवन के सामने से ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर समुद्री जहाज की आइटमें मौजूद हैं, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आइटमें मौजूद हैं, और वो घर के लिए भी शुभ मानी जाती हैं, आपके लिए भी शुभ मानी जाती हैं, और क्वालिटी नो डाउट है, और रेट
रेट कुछ भी नहीं है। कोई बंदा बाहर से आ रहा है, डाबड़ा चौक आप उतरे बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से आए, जस्ट 500 मीटर की दूरी पर अपनी दुकान है, बिल्कुल पास में ही है, कि दूर भी नहीं जाना आपको, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। निरंकारी भवन हिसार में ही की उसके जस्ट सामने दुकान अपनी। चलो ठीक है निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार से हमको दिखाया। मेरे भी मन में थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और एक एक आइटम को अच्छे से मैं डिफाइन करके जरूर दिखाऊँ आप सभी को। तो ठीक है, इसको शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी शेयर कीजिए, और लेनी है कोई आइटम तो भी इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में भी आपको याद रहे ये आइटम मैं यहाँ से लेकर आया था। ठीक है, सिलेक्टिव आइटम है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।